जमानत की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। देर रात कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने युवाओं को जमानत दी है और युवकों की जमानत, युवकों पर फिलिस्तीन का झंडा फहराने का आरोप है। फिलहाल उनकी जमानत को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। तो युवकों पर इस वक्त आरोप लग रहे हैं, फिलिस्तीनी झंडा फहराने का आरोप लगा है। तो सिटी मजिस्ट्रेट ने युवाओं को दी है जमानत। और इस वक्त दिलीप अग्रवाल संवाददाता बिलासपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या अभी भी ये प्रदर्शन जारी है क्या, और जो युवकों को जिन्हें हिरासत में लिया गया था उन्हें जमानत मिल गई है क्या? देखिए, इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो गई है। जब हिंदू संगठनों ने इस फिलिस्तीन झंडे को लहराने का विरोध करते हुए तारवार थाने का घेराव किया था, एसपी से मुलाकात कर इस मामले में दोषियों के खिलाफ, देशद्रोह के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी, जिसके बाद एसपी ने भी इसमें गंभीरता दिखाई और इस झंडा जो फिलिस्तीन का झंडा लहराया था उसको गलत माना और आरोपियों को पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की थी। लेकिन उसके बाद इसमें राजनीति शुरू होती है और जो बीजेपी के अलग पार्टियां, सर्वदलीय पार्टियां मंच है उसमें, जिसमें कांग्रेस के भी पदाधिकारी हैं, आप पार्टी के भी हैं, तमाम ऐसी छोटी मोटी पार्टियों के जो एक संगठन है उन्होंने मुस्लिम समुदाय से मिलकर मुलाकात की और कहा कि जो फिलिस्तीन है वो भारत का अभिन्न मित्र देश है, वहाँ कई चीजें निर्यात आयात की जाती हैं, व्यापार अच्छे हैं, मोदी हमेशा फिलिस्तीन को अपना दोस्त बताते हैं और वहाँ सहायता भेजते हैं चाहे भले वहाँ, तो ऐसे में फिलिस्तीन के खिलाफ झंडा लगाना कहीं से गैर कानूनी नहीं है। जिसके बाद मुस्लिम समुदाय को हौसला मिला और उन्होंने कलेक्ट्रेट के पास पहुंचकर जमकर हंगामा किया, लगातार हंगामे और जहां जाम की स्थिति देते हुए, हालांकि रात में ही सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी, लेकिन जो पट्टा पेश करने की शर्त थी वह आज सवेरे पूरी हो गई थी और 10-11 बजे तक क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय नहीं पहुंचे थे तो वहां भी ये हंगामा हुआ कि 11 बज गया है और सिर्फ दस्तखत के चलते कल रात से जो जिनको आरोपियों को जेल से बाहर आना था वो अभी तक जेल में है। उसके बाद जो अभी जानकारी मिली है कि 12:30 बजे के आसपास सिटी मजिस्ट्रेट ने जमानत के। चलिए दिलीप, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जो और अपडेट है वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।